मुंबई का जो चौपाटी एरिया है ये बहुत फेमस है वेजिटेरियन फूड लवर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ चौपाटी एरिया में, ऑपोजिट सुख सागर। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे चौपाटी दिखाई दे रही है एंड दिस इज ला वेजी विच इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड लवर्स। जैन इन गुजराती लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये प्लेस अपने वेजिटेरियन फूड के लिए, और काफ़ी सारी नई और यूनिक चीज़ें भी अंदर मिलती है। तो चलते हैं, देखते हैं इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल क्या क्या चीज़ें अंदर अवेलेबल है और कैसी हैं। आइए, काफ़ी स्पेशियस सीटिंग है यहाँ पे, बहुत ही कंफर्टेबल है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ इनका बैंक्वेट हॉल भी है, दो प्राइवेट डाइनिंग रूम्स भी है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या खाना अवेलेबल है। सो द विजन बिहाइंड स्टार्टिंग अप विद ला वेजी वाज दैट पीपल नाउडेज आर टर्निंग वेगन एंड वी वांटेड टू प्रमोट द वेजिटेरियन फूड ऑफ इंडिया। ला वेजी में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सूप से, तो बहुत ही अलग मेन्यू है यहाँ पे सूप का। तो जब मैंने इसमें देखा, एक मंच सूप करके दिखाई दिया जो काफ़ी डिफरेंट पढ़ने से ही लग रहा था मुझे, इसके लिए मैंने यही ऑर्डर किया है। और ये जो है इसके अंदर जो क्रूटॉन यूजुअली डाला जाता है, तो ये कुछ अलग चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बाकी सूप की कंसिस्टेंसी तो एकदम परफेक्ट लग रही है, न थिन और न थिक, जस्ट राइट। बहुत सारे चॉप्ड वेजीज इसमें दिखाई दे रहे हैं। वाओ, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है हल्का सा सूप में। फर्स्ट टाइम ऐसा सूप मैंने पिया जिसमें स्मोकी फ्लेवर आता हो। कैरेट्स एंड पेपर्स एंड यूजुअली जो होता है वही सारे वेजीज है, बट जो टेस्ट है ना सूप का ये काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ही बढ़िया है। डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें जो वेजीज डाले उसका बहुत ही बढ़िया सा क्रंच, और वेजीज की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा डाली हुई है। ऐसा नहीं है कि सूप का जो बेस है वो ज़्यादा है, वेजीज सिर्फ नाम के लिए डाले हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में वेजीज है। और ये जो अलग सा दिखाई दे रहा है इसको ट्राई करते हैं। ये जो इसमें डाला हुआ है ना ये पनीर से बना हुआ है, सो एक छोटा सा एक मिनी पनीर समोसा बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर है ना ये ब्लेंड हो गया है सूप के साथ में, जो इसका टेस्ट है ना बहुत अमेजिंग। ऐसा नहीं लग रहा है कि अलग से आप कुछ पनीर का स्टार्टर लेके और उसमें डिप करके खा रहे हो, नो। क्रूटॉन से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो ब्रेड क्रूटॉन्स यूजुअली होते हैं उससे। लाल मिर्च का पनीर टिक्का, देन पीपल डू ट्राई अ लॉट इज पाव भाजी फोंड्यू, हनी चिली पोटैटो इज लाइक वन ऑफ अ स्पेशल रनिंग डिशेज, एंड अदर देन दीज वी हैव एलोपिनो कुरकुनी विच इज अ नाइस मिक्सचर ऑफ एलोपिनो एंड चीज टुगेदर। एपेटाइजर्स अगर आप देखो तो ला वेजी में इतने सारे ऑप्शंस है कि मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी कि क्या मंगवाऊं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक दही बॉम्ब्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड अदर देन दैट देर आर टू मैनी पनीर स्टार्टर्स, यू नो, और ही अच्छी वैरायटी है। पनीर ग्रीन पेपर है एंड देर इज़ अ तंदूरी प्लेटर ऑल्सो। इसके अलावा चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल स्टार्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने मुझे बताया कि कॉर्न चीज़ बॉल्स इनका बहुत ही पॉपुलर डिश है, एंड ऑल्सो मशरूम में डिशेज़ हैं इनके पास। पनीर में जैसे मैंने आपको बताया इंडियन में तो है ही, बट कॉन्टिनेंटल में भी बहुत सारी वैरायटी है। एंड ऑल्सो ये एक चीज़ जो मैंने देखी है जो कॉमनली अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए पाव भाजी फोंड्यू मैंने मंगवाया है। एक्चुअली ये जैन स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट है, बहुत सारी जैन डिशेस भी यहाँ पे मिलती है, और अगर आप क्राउड देखोगे ना तो आपको मोस्टली जैन एंड गुजराती क्राउड ही यहाँ पे मिलने वाला है। सो लेट्स ट्राई दिस पाव भाजी फोंड्यू। ओह माय गॉड, दिस पाव भाजी फोंड्यू इज सो यूनिक। इसका जो टेस्ट है ना, तो जो पाव भाजी की भाजी है सो दैट इज एकदम यू नो चीजी एंड क्रीमी, सो पाव भाजी बट विद अ ट्विस्ट। वो जो फील आता है ना कि अलग से आप ये टोस्टेड ब्रेड उठा के डिप करते हो तो एक कम्प्लीटली यू नो नई चीज़ लगती है एकदम। जो कंसिस्टेंसी है भाजी की इट इज़ कम्प्लीटली मैश्ड, ऊपर अनियंस डाले हुए हैं, हल्का सा चीज़ भी मुझे दिख रहा है, लेमन के वेजेस दिए हुए हैं, और ये जो ब्रेड है ना ये बहुत ही अच्छे से टोस्ट किया हुआ है। तो ये सॉफ्ट वाला पाव नहीं है, दिस इज़ टोस्टेड ब्रेड, तो एकदम क्रिस्प लग रहा है। तो जब हम क्रिस्प ब्रेड को डिप करते हैं भाजी के अंदर और उसका एक बाइट लेते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट फील है।
एलपिनो कुरकुरे कितना डिफरेंट नाम है ना, तो देखते हैं टेस्ट भी डिफरेंट है कि नहीं। लुक तो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है और बढ़िया प्रेजेंटेशन है। ये एक और स्टार्टर जो अगेन जब मैंने सोचा तो डिफरेंट नहीं लगा, बट जब आया तो काफी डिफरेंट लग रहा है। सो दिस इज लाल मिर्च का पनीर टिक्का और काफी स्मोकी फ्लेवर पूरे यहाँ पे रूम में हर जगह पे फैल गया है। अगर आप पनीर देखो तो ये कितना बढ़िया से चार हुए हैं, एकदम अच्छे से इसमें ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑल्सो दीज पेपर्स यू नो ये भी काफी अच्छे से चार हुए हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। साथ में सैलड सर्व किया हुआ है, कैबेज एंड पेपर्स अगेन आई कैन सी एंड कुछ इसमें एंड कुछ सीजनिंग की हुई है इसमें। वाह काफी सॉफ्ट पनीर है। साइड में इन्होंने ये दी हुई है ग्रीन चटनी। तो पनीर है ना एकदम अंदर तक जूसी हो गया है, एंड अगेन वो स्मोकी वाला जो फ्लेवर आ रहा था उसके टेस्ट में भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है। लव्ड इट। मॉकटेल्स में मैंने लिया है ये लीची पंच और ये देखिए इतना लंबा ग्लास। एकदम मीठा है एंड आइसक्रीम डाली हुई है इसमें, तो वही वाला फ्लेवर आ रहा है वनीला वाला, एंड ऑब्वियसली लीची का टेस्ट तो इसमें है ही, बस थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है। अगेन खाने में तो क्वांटिटी है ही अच्छी खासी, बट ये जो मॉकटेल है इसकी भी क्वांटिटी ज़बरदस्त है। सर्व वेराइटी ऑफ क्यूजिंग्स आउट हियर, वी हैव इंडियन ट्रेडिशनल फूड, वी सर्व सिज़लर्स, वी डू कॉन्टिनेंटल, वी डू मैक्सिकन, वी डू चाइनीज, ऑल टुगेदर। We have mocktails also in our menu, which is curry-licious, which is popular in our menu. ला वेजी में इतने सारे डिशेस जो भी हमने खाए काफ़ी यूनिक थे, अलग थे, टेस्ट भी अलग था, प्रेजेंटेशन अलग था, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैन एंड गुजराती डिशेस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और काफ़ी सारे लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो जैन एंड गुजराती डिशेस ही ऑर्डर कर रहे हैं। तो मेन कोर्स में भी मैंने कुछ ऐसा मंगवाया है जिसका नाम हमको कॉमनली दिखाई नहीं देता है रेस्टोरेंट्स में। दिस इज़ सब्स की टोकरी और इसके साथ में मैंने बटर कुल्चा मंगवाया है, और यहाँ पे ये एक बेवरेज मैंने मंगवाया है विच इज़ करी लिशस। तो इसमें ये लोग डालते हैं पैशन फ्रूट अलॉन्ग विथ पाइनएप्पल जूस। तो देखिए तीन कितने बढ़िया लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ दो चीज़ें इसमें डाली हुई है जो मैं अभी टेस्ट करके आपको फिर बताऊँगी। तो एक्चुअली लास्ट फ्यू डेज़ में मैं कंबोडिया गई थी और वहाँ पे मैंने पैशन फ्रूट का स्मूदी एंड शेक्स इतना पिया कि और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि पैशन फ्रूट का एक बेवरेज अवेलेबल है तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। बाय द वे अगर आपने मेरा कंबोडिया सीरीज़ मिस कर दिया हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए एक्सप्लोर विद अलका कंबोडिया। सब बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ। पहले तो ये एक पीस में ले रही हूँ बटर कुल्चा का, और ये जो सब्स की टोकरी है ना ये कितनी अलग दिखाई दे रही है। जो नीचे है ये रेडिश कलर का कुछ ग्रेवी दिखाई दे रहा है थिक वाला, एंड अंदर कुछ अलग येलोइश ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। आई थिंक मुझे ये एक पूरी टोकरी उठा लेनी चाहिए इसमें से। गरम गरम कुलचा है, सॉफ्ट है एंड क्रिस्प भी है। क्रिस्पनेस से ना एकदम आवाज़ आ रही है इसकी, और इस सब्जी का देख के मुँह में पानी आ रहा है। सब्जी है ना इस टोकरी के अंदर, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टोकरी है ना ये भी एडिबल है, इसे भी खाया जा सकता है। एंड ये जो सब्जी है इसमें मुझे दिखाई दे रही है बीन्स है, मटर है, एंड आई कैन सी कैप्सिकम। तो एक ग्रीन वेजिटेबल्स का मिक्स है इसके अंदर। जो ग्रेवी है ये अलग है, ये टमेटो बेस्ड की ग्रेवी है, और ग्रेवी का टेस्ट तो मुझे सब्जी के टेस्ट से भी बहुत बढ़िया लगा। एंड ये जो कंप्लीट जो सब्जी है यू नो टोकरी के साथ में जो ग्रेवी है अलग, मतलब काफ़ी अलग चीज़ फिर से यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूजुअली हम जाते हैं तो मेन कोर्स में एक मिक्स वेज या एक पनीर की सब्जी जो यूजुअल आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, बट यहाँ पे ये काफ़ी डिफरेंट है। खाना आप कोई भी ऑर्डर करो, मीडियम स्पाइसी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम ही है उससे। टेस्ट एंड क्वालिटी सुपर्ब, एंड जो पोर्शन साइज है इनका, जो क्वांटिटी सर्व की है हर एक चीज़ की वो भी काफ़ी बढ़िया है। दो लोग तो आराम से खा सकते हैं, और मैं कहूँगी कि कोई स्टार्टर में शायद तीसरा भी ऐड हो सकता है। इसको एंजॉय करती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। और ये ड्रिंक भी ट्राई करना है मुझे,
ऊपर करी लीव्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। फ्रूट का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा सा टेस्ट है, थोड़ा सा कोला जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। जैसे मैंने आपको बोला पैशन फ्रूट, एक्चुअली पैशन फ्रूट का कलर तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर उन्होंने ऐड किया इसमें पाइनएप्पल जूस के साथ में। लव दिस बेवरेज। वी हैव लिप स्मैकिंग डेजर्ट्स, हेज़लनट पॉट, क्रेप्स एंड पैनकेक्स व्हिच आर स्पेशली ऑफ लावेजी। लावेजी सिचुएटेड एट गिरगांव चौपाटी। वी आर ओपन सिंस 11 इन द मॉर्निंग टिल 12 इन द मिडनाइट। आई एम सो एक्साइटेड इसको देख के, इसे खाने के लिए। दिस इज चॉकलेट मेल्टिंग पॉट विथ आइसक्रीम। तो ये वनीला आइसक्रीम इन्होंने दी हुई है और ये है चॉकलेट सॉस, और ये जो इनका मेल्टिंग पॉट है विच इज़ अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट। तो गरम गरम चॉकलेट सॉस उसके ऊपर डाला ना, तो वो एक लिटरली ना जो ऊपर जो पॉट था बॉल के जैसा लिटरली ब्रेक हो गया, और उसके अंदर से ये इतनी सारी यमी चीज़ें निकली है। लेट मी जस्ट टेक अ बाइट। वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। स्पेशली जो केक है ना इसके अंदर, ये बहुत ही अच्छा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वर्ड्स बोलूँ मैं, इतना चॉकलेटी है ये, वेरी सॉफ्ट। आइसक्रीम के साथ में खाया तो भी अच्छा लगा, बट विदाउट द आइसक्रीम ऑल्सो इट्स रियली गुड। इसका एक क्रंच आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, इसके बिना ही ना दिस इज़ रियली रियली सिंपल। सो आज का तो कम्प्लीट जो भी मील हमने खाया सब कुछ बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, डिफरेंट था। आपको आज के वीडियो में सबसे डिफरेंट कौन सी चीज़ लगी है मुझे ज़रूर बताना। मुझे सबसे अच्छी ये आज की डिज़र्ट लगी है, बहुत ही डिफरेंट। ऑल्सो द सब्स की टोकरी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड स्टार्टर्स में पाव भाजी फोंड्यू वॉज सुपर्ब। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, एंड होप यू एंजॉय करो।